अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो टाइप्स ऑफ फंक्शन था, एक बड़ा टॉपिक था, वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो आप फंक्शंस के दरमियान परफॉर्म कर सकते हो, उन फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हो। जैसे आप ऐड कर दो आपस में, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अच्छा, फिर कंपोजिशन देख लेंगे, फिर इनवर्स फंक्शन देख लेंगे सब। सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन को कंबाइन करना, कंबाइनिंग, इसको हम क्या स्पेलिंग सही है ना, हाँ, कंबाइनिंग फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शन को कंबाइन आप कितने तरीके से कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप ऐड कर दो उनको आपस में, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है भाई, ऐड सब्ट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो हमें आता है। असल जो बात है मैं बताने लगा आप लोगों को कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, ये दो फंक्शन है एफ और जी। मैं आपको कहता हूं कि आप इनको आपस में ऐड कर दो, तो जब ऐड करेंगे तो ये सिचुएशन आपके पास आएगी। तो होगा ये कि जो ऐड करने के बाद आपके पास फंक्शन आया है, इसकी डोमेन क्या होगी। तो आपने डोमेन किस तरीके से मालूम करनी है, आपने ये देखना है कि जो ओरिजिनल फंक्शन एफ है और जो जी है, इनकी जो डोमेन का इंटरसेक्शन होगा वो डोमेन होगी कंबाइनिंग फंक्शन की। जैसे अगर आप यहां पर देखो, जो एफ है इसकी डोमेन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, कुछ नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, बाकी आप पुट कर सकते हो। अगर आप इंटरवल नोटेशन में देखो तो इसकी डोमेन क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी। और अगर आप इसकी बात करो, इसकी डोमेन क्या होगी, वन से लेके इन्फिनिटी। तो इसमें आप वन से ग्रेटर ही कुछ पुट कर सकते हो, या बेशक वन भी पुट कर लो, वन से कम कुछ पुट नहीं कर सकते। अब अगर आपसे को बोले कि भाई जो ऐड करने के बाद फंक्शन आया इसकी डोमेन क्या है, तो सिंपल आपने एफ और जी की जो डोमेन है ना उनका इंटरसेक्शन लेना है, वो डोमेन बन जाएगी इस फंक्शन की। तो इंटरसेक्शन क्या है भाई, सिंपल सी बात है, नंबर लाइन बना लो, ये जीरो है, जीरो से लेके इन्फिनिटी इसकी डोमेन है, कंसीडर कर लो वन है, वन से लेके इन्फिनिटी इसकी डोमेन है। तो कॉमन वाला रीजन ये है, तो उसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, वन से लेके इन्फिनिटी। कहने का मतलब आप इस फंक्शन में वन पुट कर सकते हो, वन बिल्कुल अलाउड है, कोई मसला नहीं है, और वन से ग्रेटर ही आप कुछ पुट कर सकते हो, इससे कम पुट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर ये सब्ट्रैक्ट हो तब भी यही रहेगा, अगर ये मल्टीप्लाई हो तब भी यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन दोनों फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उसके बाद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। लेकिन देखो एक चीज ध्यान में रखो, डोमेन इसकी भी क्या होगी, डोमेन होगी वन से लेके इन्फिनिटी। एक चीज ध्यान में स्टूडेंट की आ सकती है, बोलेंगे सर इस फंक्शन में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह में जीरो पुट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं जीरो पुट करूंगा पूरी चीज जीरो हो जाएगी, और जीरो मेरे पास एक आंसर है, उसका मतलब मैं जीरो पुट कर सकता हूं, जबकि डोमेन इसकी वन से लेके इन्फिनिटी है। तो इस बात को समझो कि ये फंक्शन जो है, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये फंक्शन देता, मैं बोलता कि भाई ये फंक्शन है, पीछे में कुछ नहीं बताता, ये फंक्शन है भाई इसकी डोमेन निकालो, तो भाई फिर आप इसकी डोमेन निकालने के जो तरीके मैंने आप लोगों को बताया मैं कि अंदर जो लिखा हुआ उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखो, आप डोमेन निकाल लो। लेकिन मसला है कि सिर्फ अकेला नहीं, ये यहां से आया है, ये जो फंक्शन आया ये इन स्टेप से आया, तो बेशक आप इसमें जीरो पुट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इसमें जीरो नहीं पुट करोगे, सबसे पहले तो जीरो यहां पे पुट करोगे, यहां से लेके यहां पे गया है ना ये, तो आपने ऑब्जर्व करना है कि जिनसे चीज बनी हुई है उनमें मसला तो नहीं हो रहा कहीं, ये बात कंपोजिट फंक्शन के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे जीरो में इस जगह पे नहीं पुट कर सकता, ये जीरो माइनस वन ये मसला है, तो दैट्स व्हाई आपको यहां पे जीरो से निकालना पड़ेगा, वरना बात इमेजिनरी और इन फालतू चीजों में चली जाएगी, हम रियल में बात कर रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई आपको कोई कॉमन वाली चीज है ना वो देखनी है, किसी जगह पे आपको बेशक ये नजर आ जाएगी यार कॉमन के अलावा भी शायद डोमेन हो जाए, लेकिन वो डोमेन मानी नहीं जाएगी क्योंकि आपने बाकी फंक्शन को भी देखना है जिससे वो कंबाइन हुआ है। इसी तरह अगर एक डिवीजन का केस कर लो, उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना, अब एक एक्स्ट्रा काम भी आपको करना है। नॉर्मली इसकी डोमेन क्या होती है, वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, लेकिन अब वन शामिल नहीं है, क्यों, इंटरसेक्शन तो आपने निकाला था, इंटरसेक्शन में बिल्कुल यही आया था, लेकिन जब आप डिवाइड करते हो तो एक रिस्ट्रिक्शन मजीद आ जाती है कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो अगर मैं वन पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, तो मुझे वन को निकालना पड़ेगा। वन से ग्रेटर मैं कुछ भी पुट कर लूं, अब मसला कुछ नहीं है, अब सब जायज है, कोई इश्यू नहीं है। तो जब आप फंक्शन को कंबाइन करते हो तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अब ये क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन भाई होता है कि सिंपल कंसीडर कर लो आपके पास दो फंक्शन है, और रियल लाइफ में आपने कंपोजिट फंक्शन ही देखे, मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको समझ आएगी। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ और जी, आपने जी के अंदर कुछ इनपुट किया, आपको जी की कोई वैल्यू मिली जिसको आप आउटपुट कहते हो, वो जी की वैल्यू अगर आप एफ के अंदर पुट कर दो
तो अब जो फंक्शन आएगा उसको हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन। जो भी जी फंक्शन था उसको अगर आप पुट कर दो एफ के अंदर, सिंपल कहने का मतलब एक फंक्शन का जो आउटपुट है वो आपने दूसरे फंक्शन के इनपुट में पुट कर दिया है, तो अब जो आपके पास फंक्शन आएगा उसको आप क्या बोलोगे? कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन, एक एफ कंसिडर करते हैं, एफ फंक्शन बच्चों वाला लेते हैं एक्स प्लस टू, और जी फंक्शन भी बच्चों वाला लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप इनकी कंपोजिशन निकालो, वैसे ये मैं तो जल्दी में लिखवा रहा हूं, इसको आप प्रॉपर नोटेशन के साथ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, और इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एक्स, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं ये चीज मालूम करो, ये नोटेशन पे जरा गौर करना, ये कंपोजिट फंक्शन को इस तरीके से आप लिख रहे होते हो, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डॉट जी, ये भी नोटेशन होती है, ये ओपन डॉट है, इसको एफ डॉट फॉग नहीं पढ़ना, एफ डॉट जी हम कहते हैं, एफ डॉट जी भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, उसको हम पढ़ेंगे किस तरह, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब क्या है भाई, जो एफ है एफ के इनपुट में आपने क्या पुट किया हुआ है, जी पुट किया हुआ है आपने, ठीक है। तो ये फंक्शन एफ है, इसमें जहां जहां पे एक्स आ रहा था, मैंने बताया था एक्स की अपनी कोई औकात नहीं है, एक्स इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे आपने क्या पुट करना है, जी फंक्शन पुट करना है। तो यहां पे एक्स आ रहा है, यहां पे आप जी फंक्शन पुट कर दो प्लस टू अपनी जगह पे, जी फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा यहां पे कंपोजिट फंक्शन। तो किया क्या आपने, जो जी का आउटपुट था, ये आउटपुट ही है ना, आप कुछ एक्सपुट करोगे तो ये आउटपुट आपको मिलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं टू पुट कर रहा हूं तो इस पूरी चीज का जो आंसर मिलेगा वो आउटपुट होगा, उसको मैं पुट कर रहा हूं दूसरे फंक्शन के इनपुट में, तो ये जो फंक्शन मेरे पास आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, कंपोजिट फंक्शन। अच्छा कंपोजिट फंक्शन आपने रियल लाइफ में काफी देखे होंगे, जैसे अगर आप इस फंक्शन को देखो तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, सॉल्व करने से पहले देखो, सॉल्व करने के बाद आपको नजर नहीं आएगा, अब ये कंपोजिट फंक्शन है, बेशक मैं कुछ भी नाम दे दूं, एफ भी नाम दे दूं बेशक, लेकिन ये कंपोजिट है, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन से बना हुआ है। इनसाइड फंक्शन क्या है, इनसाइड फंक्शन है यहां पे एक्स माइनस टू, ये इनसाइड फंक्शन है, ठीक है। और आउटसाइड फंक्शन क्या है, स्क्वायर करना, ठीक है। आउट फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड को मैं नाम दे देता हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दो फंक्शन थे, एक था स्क्वायर करना और एक है एक्स माइनस टू, ये दो अलग अलग बात की जाती है। तो अगर मैं बोलूं जी और एच को, आपने जी और एच का कंपोजिट निकालना है तो किस तरह आप निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं एच ऑफ जी ऑफ एक्स करो, आप एच के इनपुट में जी को पुट करो, तो ये जी था, इसको मैंने एच के इनपुट में करना है, तो एक्स की जगह पे आप पुट कर दो एक्स माइनस टू, तो आपके पास ये आ गया जिसको मैंने एफ का नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी एग्जाम्पल कंसिडर करोगे, आपको दो फंक्शन नजर आएंगे, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं, ये भी चीज ध्यान में रखो, आप तीन फंक्शन भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा चेंज करते हैं आसानी के लिए, हम इसको फॉर एग्जाम्पल कहते हैं एक्स क्यूब माइनस टू कर लेते हैं, ठीक है। ये आप कंसीडर कर लो तीन फंक्शन है एफ जी एच, और आपको बोला जाए कि यार आपने तीन फंक्शन की कंपोजिशन निकालनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालो, ये चीज बोली जाए, तो अब आप किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले अभी एफ का इस्तेमाल करना बेकार है, एफ का इस्तेमाल उस वक्त करोगे जब आप ये चीज मालूम कर लो, तो सबसे पहले तो ये चीज मालूम करो, उसके बाद एफ का इस्तेमाल करो। अब ये चीज क्या है, ये है जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूं जी डॉट एच। इसका मतलब क्या है कि जी के इनपुट में आपने एच पुट करना है, ये जी है, एक्स की जगह पे आप क्या पुट कर दो, एच पुट कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर। तो यहां पे जी पे जी के इनपुट में मैंने क्या पुट कर दिया, एच पुट कर दिया, तो ये मेरे पास है जी डॉट एच। अब मुझे समझ आ गया कि मैंने एफ में क्या पुट करना है, मैंने एफ में जी डॉट एच पुट करना है, जो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस टू के बराबर है। अब आप यहां पे एफ के इनपुट में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे आप पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा। तीन फंक्शन है यहां पे जो डिस्कस किए जा रहे हैं, ये बच्चों का कंपोजिशन। अच्छा कंपोजिशन एक फंक्शन की अपने आप से भी बन सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली सिचुएशन भी बन सकती है, कंसीडर कर लो अगर ये एफ है और मैं आपको बोलूं कि ये चीज मालूम करो, मतलब इसको हम बोलेंगे एफ डॉट एफ, मतलब एक फंक्शन को आपने उसके साथ ही कंपोजिट उसका मालूम करना है, तो कोई मसला नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एफ फंक्शन है ना, इसमें जो इनपुट है एक्स, इसकी जगह पे आप एफ ही पुट कर दो, मतलब इनपुट में आपने क्या पुट करना है, एफ पुट करना है, तो जहां पे एक्स था मैंने वहां पे एफ पुट करना है, और एफ मेरे पास क्या है, एफ मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस टू, तो ये एफ डॉट एफ मैंने निकाल लिया। आपको कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जिसमें आपको बोला जाएगा ये चीज मालूम करो, एफ ऑफ टू, और इस नोटेशन में इस तरह लिखा जा सकता है,
f डॉट f ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास कंपोजिट फंक्शन आ रहा है उसमें 2 पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कंपोजिट निकाल लिया, अब इसमें x की जगह पे आप 2 पुट कर दो, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 2, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 216 को माइनस 2 कर दो, आई गेस 214 आ जाएगा, देख लेना चेक कर लेना 12। तो इस तरीके से आप कंपोजिशन मालूम कर रहे होते हो। अब असल सवाल कंपोजिट फंक्शन तो आपको आते होंगे, डोमेन किस तरीके से आपने कहा, तो छोटी सी ये बात भी सीख लो। फॉर एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन आपको बोला जाए कि आप इसे डोमेन निकालनी है, अगेन वही बात कि आप सिर्फ जो फाइनल कंपोजिट फंक्शन है उसको नहीं देखोगे कि भाई जो आखिर में बचा है मैं उसकी डोमेन निकाल लूंगा जिस तरह सर ने बताई हुई, नहीं आपने देखो कंपोजिट फंक्शन डायरेक्ट ये नहीं देखो। अगर तो सवाल में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने अपने पास लिखी भी होगी थी, हाँ ये एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स है 1/x + 2 और जी ऑफ एक्स है 1/x + 3, ठीक है। अब देखो मैं पहले कंपोजिट निकाल लेता हूं फिर डोमेन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप यहां पे मालूम करो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, ये f फंक्शन है, f में x की जगह पे आप g पुट कर दो, ठीक है, g क्या है 1/x + 3 + 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे ये नीचे वाला x प्लस थ्री जो है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर आपको x प्लस थ्री मिल जाएगा और नीचे क्या होगा 2x + 6, ये हो जाएगा 2x + 7, ये आपको कंपोजिट फंक्शन मिल जाएगा। अब अगर आपको बोला जाए कंपोजिट फंक्शन की डोमेन निकालो, तो आप सिर्फ इस वाले फंक्शन की डोमेन नहीं निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो मैं इस वाले फंक्शन को देखता हूं, रेशनल फंक्शन है, डोमेन किस तरह निकलेगी, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -7/2 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी मैं पुट कर दूं, इस तरह डोमेन कंपोजिट फंक्शन की नहीं निकाली जाती। उसकी वजह यह कि सवाल में आपको मैंने जस्ट ये वाला फंक्शन नहीं दिया और बोला कि भाई इसकी डोमेन निकालो, मैंने ये सवाल नहीं दिया आपको, मैंने सवाल ये दिया कि मैंने आपको एफ और जी दिए हैं, उससे मैंने बोला कि कंपोजिट निकालो, फिर मैंने बोला उस कंपोजिट की डोमेन निकालो। तो अगर खाली ये वाला फंक्शन दिया जाता ना, तो फिर तो आप डिनोमिनेटर को जीरो रख के देख लेते हैं क्या है, मसला कर रहे हैं इसके अंदर। जब दो फंक्शन से आपने कंपोजिट बनाया है ना, तो फिर उन फंक्शंस को भी आपने देखना पड़ेगा, आप उन फंक्शंस को भी देखोगे कि उनको तो कोई मसला नहीं कर रहा कोई नंबर, उसके बाद फिर आप नीचे आओगे, ठीक है। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर फाइनल में आपको बता दूंगा किस तरीके से आप कंपोजिट की डोमेन निकालते हो। कंपोजिट फंक्शन सबसे पहले अगर आप देखो यहां पे एक्स आ रहा होता है, ये जो x है ये आपने g के अंदर पुट करना होता है, सबसे पहले g के अंदर पुट करते हो, फिर जो उसका आंसर होता है उसको f के अंदर पुट करते हो ना, तो सबसे पहले x जो है g के अंदर पुट होता है, तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ती है g की डोमेन। आपने ये देखना होता है कोई ऐसा नंबर ना हो जो g को मसला करे, क्योंकि अगर कोई नंबर g को मसला करेगा तो बाद में आना तो कुछ सेंस ही नहीं बनाता ना, कि जब वो नंबर ही g को मसला कर रहा है तो बाकी को तो छोड़ दो आप दरमियान में। तो आपने सबसे पहले देखना है कि कोई नंबर जी को मसला ना करे, तो इसका मतलब पहला स्टेप क्या है कि आपको डोमेन मालूम करनी है जी की। सबसे पहली बात, जो नंबर जी को मसला कर रहे हैं उनको आपने निकालना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जो नंबर मसला कर रहे थे वो आपने निकाल दिए। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक्स के अंदर ऐसा पुट करूं, मतलब जो अलाउड है मुझे वो मैंने एक्स के अंदर पुट किया, इस पूरे g ऑफ x का मुझे एक आंसर मिलेगा, x के अंदर फॉर एग्जांपल x की जगह मैंने 2 पुट किया है तो g ऑफ 2 का मुझे एक आंसर मिलेगा। जो मुझे g ऑफ 2 का आंसर मिल रहा है, जो मुझे g फंक्शन का आउटपुट मिल रहा है, वो मैं पुट कर रहा हूं f के अंदर। यही बात बन रही है ना कि जो g का आउटपुट मुझे मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल x की जगह 2 पुट किया, g ऑफ 2 का जो भी आंसर होगा वो मैं f के अंदर पुट कर रहा हूं, तो g ऑफ मतलब g फंक्शन का कोई ऐसा आउटपुट नहीं होना चाहिए जो f को मसला करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसा एक्स पुट कर रहा हूं जो जी को तो मसला नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्स पुट करने के बाद जी की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू एफ को मसला कर रही है, क्योंकि उस वैल्यू को आपने एफ के अंदर पुट करना है, तो आपको वो भी एक्स निकालने पड़ेंगे जो आप जी के अंदर पुट करो और ऐसी वैल्यू आए जो एफ को मसला करे। तो इसका मतलब दूसरा सब आपने क्या करना है, जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी डोमेन भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये कंपोजिट ही है ना कि जी को जब आप f के अंदर पुट करोगे तो बेसिकली एक कंपोजिट फंक्शन आ रहा है, तो आपने कंपोजिट फंक्शन की तो निकालनी है डोमेन, लेकिन साथ साथ आपने g की भी निकालनी है, क्योंकि g पहला स्टेप था। तो इसका मतलब दूसरा स्टेप क्या है, आप निकालोगे डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सिर्फ आखिरी स्टेप पे फोकस नहीं करना कि आपको बोला जाए कंपोजिट फंक्शन की डोमेन निकालो तो आप स्ट्रेट अवे कंपोजिट की डोमेन निकाल दो, नहीं, आपको वो नंबर भी निकालने पड़ेंगे, मतलब उस डोमेन को भी कंसिडर करना पड़ेगा जो g की है, क्योंकि g
भी इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। तो अब आंसर इसका क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप जी की डोमेन निकालो तो जी के अंदर मैं -3 नहीं पुट कर सकता। इसका मतलब जी की डोमेन क्या होगी भाई, -3 के अलावा कोई भी रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन -3 नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप इन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन लोगे कि आप दोनों सेटिस्फाई हो रहे हो। इसी तरह आप डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन देखो, कंपोजिट फंक्शन के अंदर मैं -7/2 नहीं पुट कर सकता, ठीक है, बाकी कोई भी रियल पुट कर सकता हूं। आप अगर इसको नंबर लाइन से समझो तो इस तरह समझेंगे, फॉर एग्जांपल अगर जी की बात करो ना, एक वैल्यू है -3, वो वैल्यू मसला कर रही है जी को। इसका मतलब -3 से पहले आप कुछ पुट कर सकते हो जी के अंदर, -3 के बाद आप पुट कर सकते हो जी के अंदर। ये जी की डोमेन मैंने लिखी है, ठीक है। अगर कंपोजिट फंक्शन की बात की जाए तो ये -7/2 होता है -3.5, तो -3.5 कंसिडर कर लो यहां पे। अब अगर कंपोजिट फंक्शन की बात करो तो कंपोजिट फंक्शन कहता है कि भाई -3.5 से पहले कुछ पुट कर लो, -3.5 के बाद कुछ पुट कर लो। अब आपने देखना है कॉमन कहां पे, सबसे पहली बात कॉमन इस वाले रीजन में, फिर अगर आप देखो तो इस वाले रीजन में कॉमन है, फिर अगर आप देखो तो इस वाले रीजन में कॉमन है। सिंपल लैंग्वेज में -3.5 और -3 आपको निकालना है। ये मैंने इसलिए कहानी बताई है, अगर डोमेन थोड़ी बड़ी है ना यहाँ पे तो एक एक वैल्यू आप निकाल लो ना, कभी कोई इंटरवल आप निकालते हो, फाइनल जो डोमेन आती है आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और आपने देखना है इंटरसेक्शन कहाँ पे, जहां पे इंटरसेक्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बैक वक्त आपने दोनों बातों को सेटिस्फाई करना है। ऐसा ना हो कि आपने एक बात को सेटिस्फाई कर लिया डोमेन ऑफ जी, दूसरी बात को सेटिस्फाई नहीं किया, कुछ ऐसा पुट कर दिया जो एफ को मसला कर रहा है, तो फिर भी आपके पास आंसर नहीं आएगा। तो दोनों बातों को आपने देखना है, उनका इंटरसेक्शन निकालना है, जो इंटरसेक्शन आएगा उसको आप बोलोगे डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो यहां पे अगर आप इंटरवल नोटेशन में लिखना चाहो तो डोमेन क्या होगी, -∞ से लेके -7/2, जिसमें -7/2 पे राउंड ब्रैकेट लगेगी, -7/2 से लेके -3, दोनों पे राउंड ब्रैकेट लगेगी, -3 से लेके इन्फिनिटी -3 पे राउंड ब्रैकेट लगेगी। ये पूरी होगी डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शन का आपने इनवर्स कैसे निकालना है। इनवर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बेसिकली फंक्शन जहां मैंने पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था, वहां पे बताया था कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज बन जाती है, जो इनवर्स की डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज होती है। सवाल यह है कि अगर आपको फंक्शन का इनवर्स निकालना तो आप किस तरीके से निकालते हो, तो बेसिक सी एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अच्छा जी, आपके पास एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है f(x)=3x-4, ये फंक्शन है, आपको बोला जाए कि आपने इसका इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स किस तरीके से आप निकालोगे, सबसे पहले f(x) को रिप्लेस कर देना y से, आसानी होगी। पहला स्टेप क्या होगा कि आप इंटरचेंज करोगे y और x को, ये वही बात है क्योंकि इनवर्स में आपको पता है चीजें आपस में इंटरचेंज हो जाती है डोमेन रेंज। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, y के लिए सॉल्व करोगे, तो -4 का विधल ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद y की वैल्यू निकालो, दैट्स इट। ये दो स्टेप है जिन स्टेप के तहत आप इनवर्स निकालोगे। अभी आपके पास इनवर्स आ गया है, इसको आप नॉर्मली इस नोटेशन में लिखते हो, लेकिन आप ऑब्जर्व करना है इस बात को कि जितने फंक्शन बाइजेक्टिव है, या आसान लैंग्वेज में आप 1:1 भी कह सकते हो, जितने 1:1 फंक्शन है जब आप उनका इनवर्स निकालते हो तो इनवर्स भी फंक्शन होता है, वरना बाकियों का जब आप इनवर्स निकालते हो तो रिलेशन आ रहा होता है, जैसे y=x2, ये फंक्शन है लेकिन जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो वो इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा, इनवर्स आ रहा होगा y=±√x, तो वो फिर आपका फंक्शन नहीं माना जाएगा। बहरहाल तो इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हो, इनवर्स निकाल रहे होते हो। एक टेक्निकल पॉइंट में बता दूं इनवर्स में, ये नॉर्मली आपको कमी नजर आएगा, इनवर्स में आमतौर पर कभी इश्यूज हो जाते हैं, वो इश्यू ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्राफ के सेंस में बात करो ना, तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है, ये होता है y=√x, अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स निकालते हो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज करने के बाद y के लिए सॉल्व करोगे, y के लिए कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, तो ये इसका इनवर्स आ जाएगा, ये ओरिजिनल फंक्शन था। तो अगर आप ऑब्जर्व करो जो इसका इनवर्स आया है, इनवर्स क्या y=x2, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इस टाइप का बन रहा होगा, बहुत फालतू सा बना है लेकिन बहरहाल इस टाइप का बन रहा होगा, ये ठीक नहीं है, इस बात को जरा ऑब्जर्व कर लो, ये ठीक क्यों नहीं है। देखो इनवर्स के अंदर लाजमी ये बात सेटिस्फाई होती है कि जो इनवर्स की डोमेन है वो रेंज होनी चाहिए, जो फंक्शन की डोमेन है वो रेंज होनी चाहिए इनवर्स की, और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होनी चाहिए, ठीक है, अगर इसको टेक्निकल तौर पर समझो।
अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, इसकी डोमेन जो है वो जीरो से लेके इंफिनिटी है, और जो इसकी रेंज होगी वो भी क्या है, जीरो से लेके इंफिनिटी है। अगर मैं इसकी बात करूं जो इसका इनवर्स आया है, अगर मैं आपको बोलूं कि यार इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मतलब सब रियल नंबर है, और इसकी रेंज क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है तो जीरो से लेके ग्रेटर ही आपको मिलेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन है, ये बात तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन नहीं आ रही, उसकी रेंज थी जीरो से लेके इन्फिनिटी और इसकी डोमेन थी रियल नंबर। यहां पे एक मसला आ गया, वो मसला क्या होता है, वो मसला ये होता है जब आप स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं, ज्यादातर जब आपके पास रूट आ रहा है फंक्शन के अंदर, आप स्क्वायरिंग करते हो तो जो उसका इनवर्स आता है वो मसले क्रिएट करता है। ये मसले आपके उस वक्त रिजोल्व हो जाएंगे जब आप इनवर्स का ग्राफिकल मतलब समझ लोगे। इनवर्स ग्राफ से निकालने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये था स्क्वायर रूट एक्स, इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है, अगर आपने इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स में आप करते क्या, इनवर्स में जो ग्राफिकल बात कर रहा हूं, जो फंक्शन है ना उसको आप रिफ्लेक्ट करवाते हो अलोंग वाई इक्वल टू एक्स लाइन, वाई इक्वल टू एक्स लाइन वो वाली लाइन होती है ये वाली, तो आपने क्या कर रहा है, आपने इस फंक्शन को रिफ्लेक्ट करवाना है अलोंग वाई इक्वल टू एक्स। भाई रिफ्लेक्ट करवाने का मतलब, जैसे आपने इवन फंक्शन में देखा था, अगर एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है तो अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब उसकी रिफ्लेक्शन आपको वाई एक्सिस के अलोंग नजर आ रही है, तो अगर एक्स कॉमा वाई उस ग्राफ के ऊपर है तो माइनस एक्स कॉमा वाई भी उस ग्राफ के ऊपर होगा, ठीक है, ये इवन फंक्शन में आपने पढ़ा था। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स का मतलब ये है, मतलब ये जो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, आपने क्या करना होता है, इनवर्स निकालने का तरीका होता है कि जो फंक्शन है ना उसको आप रिफ्लेक्ट करवा दो अलोंग वाई इक्वल टू एक्स, तो आपके पास इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो फंक्शन है उसके ऊपर एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को चेंज कर देना है, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स और ये पॉइंट होगा उसके इनवर्स के ऊपर, और इस तरीके से आप इनवर्स का ग्राफ निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने फंक्शन बनाया है यह है वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, आपको पॉइंट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर फोर पुट करूंगा तो मुझे आंसर टू मिलेगा, ठीक है, कंसिडर कर लो ये ऑलमोस्ट फोर था और आपको आंसर टू मिल रहा था, ये फोर है आपको आंसर टू मिल रहा था, तो जो इसका इनवर्स होगा, जो y इज इक्वल टू रूट एक्स का इनवर्स होगा उसके ऊपर एक पॉइंट होगा जो ये होगा टू कॉमा फोर, अगर इसके ऊपर एक पॉइंट है फोर कॉमा टू तो उसके ऊपर क्या पॉइंट होगा, इंटरचेंज कर दो टू कॉमा फोर होगा, और टू कॉमा फोर कहां पर होगा, कंसिडर कर लो ये टू है और ये तकरीबन फोर होगा ना यहां पर, तो एक पॉइंट आपको मिल गया वहां पर। इसी तरह अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं इसके अंदर वन पुट करूं तो आंसर वन मिलेगा, तो जब आप इनको इंटरचेंज करोगे तो एक ही बात है, इनवर्स में भी आपको पॉइंट मिलेगा वन कॉमा वन, वन कॉमा वन पॉइंट जो है वो तकरीबन यहां पे होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहां पे टू पुट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर टू पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, रूट टू मिलेगा, इनवर्स में क्या होगा, इंटरचेंज कर दो आप, अब रूट टू कहां पे होगा, रूट टू इज समथिंग 1.4, यहां पे रूट टू है तकरीबन और टू मुझे ये कंसिडर कर लो यहां पे है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने फंक्शन का ग्राफ है और आपने उसका इनवर्स का ग्राफ निकालना है तो आप जस्ट क्या करो, उस फंक्शन को रिफ्लेक्ट करवा दो अलोंग वाई इक्वल टू एक्स लाइन, और रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने मैथमेटिकल मतलब आपको बता दिया कि अगर एक पॉइंट ये फंक्शन के ऊपर है तो अगर आपने वाई इक्वल टू एक्स के अलोंग रिफ्लेक्शन करवानी है तो इंटरचेंज कर दो, अगर आपने इस फंक्शन को अलोंग वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन करवानी होती तो वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन का मतलब कि आप अगर x कॉमा वाई है तो माइनस एक्स कॉमा वाई होगा, इसको हम कहते हैं y एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन, लेकिन अभी मुझे करवानी है y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग, तो आप बस ये काम करते जाओ, आपके पास पॉइंट आते जाएंगे उसके बाद आप ड्रॉ कर लेना, तो अगर आप ऑब्जर्व करो आपको इस टाइप के पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये ग्राफ है इसके इनवर्स का और ये ग्राफ है फंक्शन का। तो जस्ट आपने ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अजायर सी बात है, डायग्राम मैंने ऐसी अजीब सी बनाई है, कॉन्सेप्ट मैंने असल देना है आपको, कॉन्सेप्ट यह है कि अगर ओरिजिनल फंक्शन था तो उसको आपने जस्ट y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग रिफ्लेक्शन करवानी है, आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ये करेक्ट तरीका होता है जिसमें मिस्टेक नहीं होती, लेकिन अगर आप अलजेब्रिकली सॉल्व करते हो तो ये हल्की फुल्की मिस्टेक आ सकती है। तो जब इस टाइप की मिस्टेक आ रही हो कि जब ये मैच ना कर रहा हो तो समझ जाना कि ग्राफ वाले मेथड पे जाओ, और ग्राफ वाला मेथड आपको यह बताएगा कि जब मैं y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग रिफ्लेक्ट करवाऊंगा तो मुझे जस्ट ये चीज मिलेगी जो मुझे यहां पर ही मिल रही है, ये वाली चीज नहीं मुझे मिलेगी, मतलब जब मैं y इक्वल टू एक्स को रिफ्लेक्ट करवाऊंगा तो y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है,
ये रिफ्लेक्ट इस तरीके, मतलब मुझे ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, मुझे जस्ट ये वाला हिस्सा मिलेगा। तो जस्ट सिंपल लैंग्वेज में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा कि रेंज इसकी जीरो से लेके इन्फिनिटी है, और अगर आपने देखा फंक्शन की डोमेन आ रही है रियल नंबर, रेंज और डोमेन तो सेम होनी चाहिए, तो आप क्या करो, जो यहां पे रेंज आई थी ना एग्जैक्टली यहां पे कॉपी कर दो, आप लिख दो जीरो से लेके इन्फिनिटी, और जो भी आपके पास इनवर्स आया है ना उसके अंदर मेंशन कर दो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन x की रिस्ट्रिक्शन है, x जस्ट बिलोंग करेगा जीरो से लेके इन्फिनिटी। तो कितनी दफा ऐसा होता है कि जब आप फंक्शन का इनवर्स निकालते हो ना तो उसकी डोमेन को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। रिस्ट्रिक्ट क्यों करना पड़ता है वो रीजन बताइए, रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, और एंड पे बस कंक्लूजन बता दिया कि जो रेंज होगी लाजमी वो उसकी डोमेन होगी, ये कंफर्म बात है। डोमेन और रेंज इनवर्स और फंक्शन की आपस में मैच करेंगी, तो जो रेंज आई थी वो एग्जैक्ट लिख देना। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका इनवर्स है लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ कि x जीरो से लेकर इन्फिनिटी होगा तो ये उसका इनवर्स है, वरना ये इस फंक्शन का इनवर्स नहीं है। तो इनवर्स के अंदर एक बेसिकली पॉइंट होता है, रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बता दिए कि रियल में क्या होता है सब चीजें, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हमने डोमेन और रेंज निकालनी है डिफरेंट फंक्शन की। डोमेन तो तकरीबन आ जाती है आसानी से, वो तो बड़ा मसला नहीं है, वो तो इनइक्वालिटीज आपने सॉल्व की थी वहां पे भी देख लेता। रेंज किस तरीके से निकालते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बाकी हम देखेंगे फंक्शन को अगर आपने स्केल करना हो, ट्रांसफॉर्म ऊपर नीचे साइड वाइड पे लेके जाना है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करना है या वर्टिकल शिफ्ट करना है या क्या पीरियड, सब सारे का कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।